अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस, और हमने आज देखना है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हम सिस्टम के अंदर से जिस चीज़ का आउटपुट देखना चाह रहे हैं, रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस हम वो रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट तरह की आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, उनमें मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, हेडफोन्स हैं, स्पीकर्स हैं, प्रोजेक्टर है, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड और जेप प्लॉटर। चलिए देखते हैं कि ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको थोड़ी सी डिटेल से देख लेते हैं कि ये डिवाइसेस क्या होती हैं और किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर जो एक आउटपुट डिवाइस है जिसके ऊपर हम सिस्टम का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करके देख सकते हैं। एक स्क्रीन है, बिल्कुल एक टीवी की तरह की एक स्क्रीन होती है जिसको मॉनिटर कहते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल टीवी की तरह की एक ट्यूब जैसे टीवी में यूज़ होती है, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको सामने नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये उसी तरह की ट्यूब जो है ये मॉनिटर में भी यूज़ होती है जिसमें हम रिजल्ट देखते हैं। इसके ऊपर एक्चुअल में जो पिक्सल्स जिसको कहेंगे, पिक्टोरियल फॉर्म में जो है इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम पिक्सल्स का नाम देते हैं। और जितने भी अच्छे पिक्सल्स मतलब ज़्यादा होंगे, उतनी ही ज़्यादा इमेज या पिक्चर का रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है ना। पिक्सल्स भी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो मिलकर वो इमेजेस जो इमेज का एरिया है वो बनाते हैं, या इमेज की क्लैरिटी है उसको यहाँ पर वाजे करते हैं। और ये एक जो मॉनिटर है वो एक स्क्रीन जो ज़ाहरी नज़र आ रही होती है, स्क्रीन है, सर्किट और एक बॉक्स से मिलकर बना होता है जिसमें हम उस आउटपुट को, रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं एक स्क्रीन की सूरत में। हमारे पास जो मॉनिटर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कैथोड रे मॉनिटर कहते हैं, एक दूसरे को है फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर। ये दोनों डायग्राम से आपको नज़र आ रहे होंगे, या हम एक को मॉनिटर या LCD भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स में हम नॉर्मली जो है सॉफ्ट फॉर्म का जो डेटा है उसको प्रिंट आउट लेने के लिए, या हार्ड फॉर्म में उसका प्रिंट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्रिंटर जो है वो एक प्लेन पेपर्स पे एक रिजल्ट को या आउटपुट को प्रिंट करके हमें डिस्प्ले करता है। हमारे पास दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर भी हैं, कलर प्रिंटर भी हैं। मोस्टली ब्लैक एंड वाइट जो प्रिंटर होते हैं वो कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, और कलर प्रिंटर भी यूज़ होते हैं जिसमें कलर्ड इंक या कलर टोनर यूज़ होता है। ये हार्ड फॉर्म में प्रिंट आउट करने के लिए, प्रिंट लेने के लिए यूज़ किया जाता है प्रिंटर। प्रिंटर्स की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, दो तरह के यहाँ पे जो मेजर टाइप्स हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि पुराने प्रिंटर्स होते हैं जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल जो मोस्टली प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, जिसमें लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और थर्मल प्रिंटर है। इसका मोस्टली काम जो है वो इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को, या जो भी चीज़ आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो प्रिंट हो सकती है। इनके डिफरेंट पेजेस होते हैं, A4 का पेज है, A5 का पेज है, लीगल पेजेस होते हैं, वो पेजेस यूज़ होते हैं प्रिंट लेने के लिए, या कार्ड पेपर्स भी होते हैं वो भी हम यूज़ करते हैं प्रिंट लेने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास हेडफोन्स आ जाते हैं। हेडफोन्स हम नॉर्मली जो है म्यूज़िक है, साउंड है, ऑडियो वीडियो का, वो हम प्राइवेटली सुनने के लिए हेडफोन्स को यूज़ करते हैं। हेडफोन्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स भी हमारे सामने आते हैं, कुछ हैंड फ्रीज की सूरत में आते हैं, कोई एयरबड्स की सूरत में आ जाते हैं, कुछ हेडफोन इस तरह के होते हैं जिनके साथ जो एक हम कह सकते हैं कि स्टेरो फोम है वो यूज़ किया जाता है, या एयर पीस की जगह पर जो कंफर्टेबल एक फैब्रिक यूज़ किया जाता है कि हमारे जो एयर्स को कंफर्ट फील हो और हम इजीली हम जो है म्यूज़िक है या कोई भी साउंड है वो सुन सकते हो। तो उसके लिए ये हमारे पास जो है हेडफोन्स आते हैं। डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ के होते हैं हेडफोन्स, जो मोस्टली हम सिस्टम के साथ, लैपटॉप के साथ अटैच करके साउंड्स को सुन सकते हैं प्राइवेटली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर स्पीकर्स। स्पीकर्स भी जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है जो हम सिस्टम के अंदर का जो साउंड है, या जिस सिस्टम में हम जो ऑडियो और वीडियो प्ले करते हैं उनके साउंड्स या म्यूज़िक को लाउडली सुनने के लिए हम जो है स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर भी बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइंस में होते हैं, उनका
उसका जो शेप है, साइज़ है, वो भी डिफरेंट होता है। मोस्टली जो है वो लाउड साउंड के लिए, या जिसमें बेस ज़्यादा करनी हो या सराउंड बढ़ाना हो, तो उसके लिए हम स्पीकर्स को यूज़ करते हैं। और इन स्पीकर्स के अंदर एक इंटरनल एम्पलीफायर भी होता है, जो उसके साउंड को, साउंड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और बहुत लार्ज एरिया में, जैसे कोई इवेंट्स वगैरह हो, सेमिनार्स हो, वहाँ पे हम स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं, या घर में म्यूज़िक, मूवीज़ वगैरह सुनने के लिए, देखने के लिए हम स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है वो सिस्टम के अंदर की जो इमेजेस हैं, या वीडियो हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या प्रेजेंटेशन है, हम उनको एक लार्ज स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टर को नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस हैं, क्लासरूम्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं, सेमिनार्स हैं, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कि हम एक स्क्रीन को, एक लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसको एक बड़ा करके, बड़ी स्क्रीन के ऊपर ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हो, उनको प्रेजेंट करना चाह रहे हो, उसके लिए हम जो है प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टर कलर स्क्रीन दिखाते हैं, और साथ में अगर हम स्पीकर अटैच कर दें तो हम उस वीडियोस, ये जो उसका जो म्यूज़िक है या साउंड है, वो भी हम सुनवा सकते हैं। उसके बाद है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जो है सिस्टम के अंदर जो है अक्सर ये बिल्ड इन होते हैं, बल्कि मोस्टली जो साउंड कार्ड्स हैं वो बिल्ड इन होते हैं, कि हम सिस्टम के अंदर के जो साउंड है उसको एक्सेस करने के लिए या हम सुनने के लिए इन साउंड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आपको इस इमेज में, डायग्राम में आपको नज़र आ रही है डिफरेंट पिंस हैं, तो ये आपके पीसी के अंदर डेस्कटॉप सिस्टम है या लैपटॉप है, उनके साइड पर ये जो पिंस हैं ये आपको नज़र आती हैं। ये हम माइक्रोफोन के लिए हम यूज़ करते हैं, हम हैंड्स फ्री के लिए, हेडफोन के लिए, हम स्पीकर्स के लिए यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट पिंस हैं, इनकी हर एक की अपनी फंक्शनैलिटी है, मीन्स माइक ये है, हेडफोन है, स्पीकर है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। इनको हम एक्सपेंशन स्लॉट भी कहते हैं, या ऑडियो अडॉप्टर भी नाम दिया जाता है, जो कि सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, असेंबल्ड होता है। और ये साउंड कार्ड अगर लगा होगा तो उसके साथ ही इन पिन्स की हेल्प की मदद से, या इन पिन की मदद से हम डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया, हैंड्स फ्री हैं, स्पीकर से वो अटैच करके हम जो रेलिवेंट हमारा साउंड है या म्यूजिक है सुनना चाह रहे हो वो सुन सकते हैं। इस साउंड कार्ड के में जो है साउंड है वो एज ए इनपुट के तौर पर यूज़ होगा, और एक्सटर्नली हम डिवाइसेस को अटैच करके अपने जो खातिर खास ज़रूरियात हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, मीन्स साउंड से रिलेटेड जो भी है। नेक्स्ट है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड का जो इस्तेमाल होता है, ये भी एक एक्सपेंशन कार्ड है, जो एक्सपेंशन स्लॉट में यूज़ किया जाता है। ये भी मोस्टली बिल्ड इन होता है, या ज़रूरत के मुताबिक हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम में असेंबल कराते हैं, एडजस्ट कराते हैं। ये इसका जो ज़रूरत पड़ती है वो मोस्टली हम जो वीडियो क्वालिटी है उसको इन्हांस करने के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स हमें ज़्यादा HD वीडियोज़ हैं, या मोस्टली गेम्स होती हैं, हैवी गेम्स होती हैं, उसके लिए ये साउंड कार्ड, ये सॉरी, ये वीडियो कार्ड यूज़ किया जाता है, उनकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, या बेटर रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, या उसके साथ कोई, हमने कोई बेटर रिजल्ट में कोई वर्किंग करनी है तो हमें ये वीडियो कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। हम इसको ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। हमारे सिस्टम्स की जो ग्राफिक्स हैं वो मज़ीद अच्छी हो जाती हैं, और बहुत HD में या हाई क्वालिटी के जो वीडियोज़ हैं वो इस वीडियो कार्ड की हेल्प से देखी जा सकती हैं। ये इनकी कैपेबिलिटीज़ को फुलफ़िल करता है, और वीडियोस को ज़्यादा अच्छे अंदाज से, बहुत ज़्यादा रिलायबल तरीके से प्ले करता है, या जो गेम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से और फास्टली जो है वो प्ले की जा सकती हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं हमारे पास जे प्लॉटर। ये भी एक प्रिंटर की तरह का एक एक डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस है, या एक प्लॉटर कहेंगे, जो डिफरेंट स्केचेस को, या वेक्टर ग्राफिक्स या इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देखें अगर, तो यहाँ पे एक पेंसिल जो है या पेन है वो साथ अटैच किया जाता है, कि जो भी हम जो सिस्टम है वो उस इंस्ट्रक्शन देगा इस प्लॉटर को, कि ये इमेज या स्केच है या वेक्टर ग्राफिक है, इसको ड्रॉ करना है। तो इंस्ट्रक्शंस इस प्लॉटर के पास आएंगी, और प्लॉटर जो है वो इसका जो ये हैंड है, प्लॉटर का हैंड, ये उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा, और ये जिसके साथ जो पेन या पेंसिल अटैच होती है वो जो है स्केच को ड्रॉ किया जाता है। ये ग्राफिक कार्ड जो है वो भी इसके लिए ज़रूरत पड़ती है, वो भी साथ अटैच होना चाहिए सिस्टम में, ताकि ये ग्राफिक्स जो हैं इसके अच्छे ड्रॉ हो सकें प्लॉटर की मदद से।
और ये पेन जो है उसको उस हेल्प या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है उस स्केच को ड्रॉ करने में। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आती रहें। थैंक यू सो मच।